नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वजीरगंज थाना में वादी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि मेरा पुत्र स्कूल से समय पर घर नहीं पहुंचा, तो परिवार के साथ अन्य सदस्यों ने काफ़ी खोजबीन की। उसके बाद मेरे पुत्र का शव मनेनी रेलवे ट्रक के किनारे पाया गया। उक्त सूचना से वरीय पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु वजीरगंज थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर निरीक्षण किए तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु मगध मेडिकल गया भेजा गया। इस कांड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं घटना में संलिप्त एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आइए आपको सुनाते हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक गया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते हैं। गया जिला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। दिनांक 8 मई 2024 को वजीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मनैनी के पास रेलवे ट्रैक के पास से एक छात्र का शव बरामद हुआ था और छात्र के परिजनों के द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें उनके द्वारा उसकी हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई थी। इस सूचना पर तुरंत वहाँ पर पुलिस टीम के द्वारा पहुँच करके अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले में को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इसमें जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए FSL टीम को भी बुलाया गया था, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था तथा जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने के लिए टीम को भी बुलाया गया था। इस मामले को में जो अनुसंधान में आए साक्ष्य के आधार पर तथा जो तकनीकी जांच की गई एवं जो वैज्ञानिक जांच FSL टीम के द्वारा किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसकी संलिप्तता इस मामले में आई है और उक्त व्यक्ति का नाम हर्ष कुमार है जो कि वहीं पूरा का रहने वाला है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में अभी अग्रतर अनुसंधान और किया जा रहा है और जो आगे तथ्य आएंगे उसके आलोक में आपको क्या विस्तार से बताएंगे। क्या संलिप्त पाई गई इसके यह बताया गया है कि पूर्व में भी कई बार जो उस स्कूल के छात्रों के साथ मारपीट की जाती थी, विशेष करके जो उक्त मृतक के साथ पूर्व में कई बार मारपीट की घटना कारित की गई थी और उसी क्रम में उस दिन कुछ ज़्यादा इस प्रकार से मारपीट की घटना कारित कर दी गई और उसके बाद शव को वहाँ पर जो साक्ष्य को छुपाने की नीयत से वहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है उसके पास फेंक दिया गया था। स्कूल के डायरेक्टर पे भी आरोप लग रहा था, ये क्या सच्चाई है? जो इसमें आवेदन में जो दिया गया था उसमें यह जो व्यक्ति है ये उसके पुत्र हैं और उनके ऊपर साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई की गई। इसकी मौत बच्चे कैसे हुई, मारपीट करने के से वो घटना अभी तक जो भी साक्ष्य अभी तक जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर मारपीट करने के कारण जो मृत्यु की बात अभी तक के साक्ष्य में FSL रिपोर्ट में जैसे जो आया है उसके आधार पर आया है। हर्ष कुमार क्या स्कूल का ही कोई स्टाफ है? जैसा कि मैंने बताया ये जो स्कूल के संचालक के पुत्र हैं और स्कूल